दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में भारतीय टीम को मिली शानदार जीत तो सानिया मिर्जा ने दिया हैरान कर देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिल गई है, जिसके बाद सानिया मिर्जा का बयान सामने आया है। इस बीच सानिया मिर्जा ने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करने के साथ बांग्लादेश की टीम का मजाक उड़ाते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम जीत के बाद सानिया मिर्जा ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम को इस मैच में किस खिलाड़ी के दम पर शानदार जीत मिली है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच ग्वालियर के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया और उनको 20 ओवर खेलने का मौका नहीं दिया और 19.5 ओवर के अंदर ही 127 रन पर ऑल आउट कर दिया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट चटकाए, तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर, मयंक यादव और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट हासिल हुआ। हालांकि इसका पीछा करने आई भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई और इस मैच को अपने नाम कर लिया। ऐसे में आज भारतीय टीम को पहले T20 मैच के अंदर मिली शानदार जीत के बाद सानिया मिर्जा ने हैरान कर देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें सानिया मिर्जा ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय टीम को मिली शानदार जीत को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को इस मैच में जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है, जो बताता है कि भारतीय टीम के सामने बेहतरीन प्रदर्शन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि बांग्लादेश की टीम इतनी ज्यादा मजबूत टीम टेस्ट में नहीं थी, लेकिन T20 में उनके पास में वो ताकत थी जिसके चलते वो भारत को हरा सकती थी, परंतु भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों के पास इतनी काबिलियत मौजूद है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ आसानी से मैच को नहीं हार सकते। और इस मैच में भी भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को अपना दीवाना बनाया है और मुझे लगता है कि अब भारतीय टीम को कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी के जरिए टीम को मजबूत शुरुआत तो दी है, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है। हालांकि इन दोनों की आज शानदार गेंदबाजी के चलते बांग्लादेश की टीम को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये टीम पहले मैच को बड़े आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर मैच में रोमांच आता है और मैच रोमांचक हो जाता है, परंतु भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दबाव को हैंडल करते हुए बेहतरीन तरीके से इस मैच को अपने नाम कर लिया है। ऐसे में भारतीय टीम को इस मैच के अंदर मिली शानदार जीत के बाद मैं भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीद करती हूँ कि युवा भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के दोनों मैचों को अपने नाम कर सीरीज को अपने नाम कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम को इस सीरीज में, इस मैच में किस खिलाड़ी के चलते जीत मिली है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।